गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग कक्षा छः की किताब हिंदी किताब की कविता माँ का एक कहानी जिसके कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त, कविता के अगले भाग को देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कविता के प्रथम चार पदों को, आज हम उसके आगे के भागों को देखेंगे। पिछले भाग में हमने देखा था कि राहुल की माँ अपने पति गौतम बुद्ध की एक घटना को कहानी के रूप में बताती है और उस कहानी में वो बता रही थी कि एक बगीचे में सुंदर वातावरण वाले जहाँ पक्षी चहचहाते हैं, फूल खिले हुए हैं, तालाब का पानी लहरा रहा है और फिर उसी बीच सुबह सुबह जब उसके पिता बगीचे में घूम रहे थे तो एक हंस तीर से घायल होकर के उसके सामने गिर जाता है। तो उसके सामने जब गिरता है तो वो उस घायल पक्षी को उठाते हैं। जब वो घायल पक्षी को उठाते हैं तो शिकारी अपने लक्ष्य पर प्रसन्न होकर के वह उस घायल पक्षी के पास पहुंचता है जहां गौतम बुद्ध ने उसे उठाया था। तब माँ कहानी को आगे बढ़ाते हुए राहुल से कहती है कहानी आगे बढ़ाते हुए मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खल भक्षी हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। यहाँ इस पद में कविता में आहत का अर्थ है घायल और खल भक्षी यानी कि शिकारी। तो माँ कहानी को आगे बढ़ाती हुए बताती हैं, अपने बेटे से राहुल से कहती हैं कि वह शिकारी जब आया और आ करके उसने क्या किया, मांगा उस घायल पक्षी को उससे यानी कि गौतम बुद्ध से मांगा। जब घायल पक्षी को गौतम बुद्ध से मांगा तो कहती है उसकी माँ कि तुम्हारे पिता क्योंकि पक्षी के रक्षक थे, उन्होंने उसे बचाया था इसलिए उसे उसको देने से इनकार कर दिया। तब उसने जो था खग भक्षी हट करने की ठानी। तब वह शिकारी जो है वह उससे जिद करने लगा उस पक्षी को लेने के लिए, कहने लगा कि इसे मैंने मारा है, इसे मुझे दो। अब इस तरह से हट करने लगा, जिद करने लगा। तब राहुल अपनी माँ से कहता है कि हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। माँ से कहता है कि उसने जिद करनी शुरू कर दी, माँ तब तो ये कहानी और बढ़ चली होगी। तब माँ कहानी को आगे बढ़ाती भी कहती है, हुआ विवाद सदैव हृदय में उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी व्यापक हुई कहानी। यहाँ विवाद का अर्थ है झगड़ा, सदैव का अर्थ है दयावान दयालु, निर्दय का अर्थ है क्रूर। यानी कि यहाँ सदैव कौन है, गौतम बुद्ध, और निर्दय कौन है, शिकारी। अब इतना के बाद माँ बताती है राहुल को इस पद में कि हुआ विवाद सदैव निर्दय, दोनों में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, दोनों आपस में लड़ने लगे कि इसको मैंने, शिकारी कहता है मैंने मारा है और गौतम बुद्ध कहते हैं कि इसे मैंने बचाया है। अब दोनों में उभय आग्रही थे स्व विषय में, उभय का अर्थ है दोनों, आग्रही का अर्थ है आग्रह करने वाले। तो यहाँ दोनों ही अपने अपने विषय को लेकर, एक ने कहा कि मैंने बचाया है, एक ने कहा कि इसे मैंने मारा है, दोनों अपने अपने विषय में क्या करने लगे, आग्रह करने लगे, एक दूसरे से मांगने लगे उसको। तब गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी व्यापक हुई कहानी। तब माँ कहती है कि दोनों जब आपस में वाद विवाद करने लगे, लड़ने लगे, अपने जिद पर अड़े रहे, तब यह बात आपस में ना सुलझने के कारण कहाँ चली गई, न्यायालय में चली गई। जब न्यायालय में बात पहुँची तो इस कहानी को, इस घटना को सभी लोगों ने जाना, सब घटना के बारे में जान गए। तब राहुल कहता है सुनी सभी ने जानी, राहुल क्या कहता है कि इस घटना को सब कोई जान गए, तब तो यह पूरा फैल गया होगा, यानी कि व्यापक अर्थ है।
फैलना, तो यह पूरी पूरी समाज में, पूरी दुनिया में या तो फैल गई होगी ये बात माँ। तो कहती है, माँ कहती है आगे कहानी के बारे में बताने के बाद, घटना के बारे में बताने के बाद माँ कहती है, राहुल तू निर्णय कर उसका, न्याय पक्ष लेता है जिस इसका, कह दे निर्भय जय हो जिसकी, सुन लो तेरी वाणी, माँ मेरी क्या वाणी, मैं सुन रहा कहानी। तब जब माँ कहती है, राहुल से पूछती है कि बेटा राहुल तो निर्णय, निर्णय का मतलब है फैसला, निर्भय का मतलब है बिना डरे हुए, निडर होकर। माँ कहती है राहुल से कि राहुल अब तू ही अपना फैसला बता दे कि न्याय पक्ष लेता है किसका, राहुल अब तू ही फैसला बता दे कि न्याय किसको मिलना चाहिए, कह दे निर्भय जय हो किसकी, सुन लूं तेरी वाणी। कहती है माँ कि मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ, तो बिना डरे हुए बता दे कि किसको न्याय मिलनी चाहिए, किसको जय होनी चाहिए, किसको किसकी विजय होनी चाहिए। तब राहुल क्या कहता है, माँ मेरी क्या वाणी, मैं सुन रहा कहानी। तब राहुल माँ से कहता है कि मैं क्या बोलूँ माँ, माँ मैं क्या बोलूँ, मैं तो क्या कर रहा हूँ, कहानी सुन रहा हूँ। माँ मैं क्या बोलूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। फिर राहुल कहता है, कोई निरापराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को मारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तुमने अपनी कहानी। यहाँ राहुल फिर अपनी माँ से कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई निर्दोष को मारता है, यदि अपराध निरापराध का अर्थ होता है निर्दोष, तो राहुल कहता है अपनी माँ से, यदि कोई निर्दोष को मारता है तो क्या उसे किसी को बचाना नहीं चाहिए, उबारना का मतलब उबारे मतलब बचाना। तो कहता है कि यदि कोई निरापराध को निर्दोष को मारे तो क्या दूसरा कोई उसे नहीं बचाना चाहिए, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दान। राहुल कहता है अपनी माँ से कि रक्षक की विजय होनी चाहिए और भक्षक की हार होनी चाहिए, रक्षक यानी कि बचाने वाला और भक्षक यानी कि शिकारी जो क्रूर है। तो यहाँ कहता है राहुल कि अगर कोई निर्दोष को मारे तो क्या दूसरे को उसे नहीं बचाना चाहिए। यहाँ राहुल अपना निर्णय देते हुए कहता है कि रक्षक की जीत और भक्षक की यानी कि दयावान की जीत और शिकारी की हार होनी चाहिए, दया का न्याय दया का दान, क्योंकि न्याय उसी को मिलनी चाहिए, न्याय उसी को दी जाती है जिस जो दयावान है। तब इतना सुनकर माँ कहती है, इतना सुनने के बाद माँ कहती है कि न्याय दया का दान ही तुमने उन्हें कहानी, कहती है कि बेटा राहुल न्याय दयावान को मिलना चाहिए, तब तो तुमने इस कहानी की सही महत्व को तुमने समझा है, गुणी मतलब महत्व को समझना। तो कहती है माँ कि बेटे राहुल तुमने इस घटना की इस कहानी की कहानी के महत्व को इस घटना के महत्व को इस कहानी के महत्व को तुमने सही समझा है, न्याय उसी को मिलना चाहिए जो यहाँ पर दया किया है। ठीक है।